हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हाल ही में 6th सेमेस्टर खत्म किया है और 7th सेमेस्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब जिन्होंने 3rd ईयर खत्म किया है और अब फाइनल ईयर की तरफ बढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग के वो स्टूडेंट्स। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंजीनियरिंग का एक बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हमारी 3rd ईयर के बाद करना कंपलसरी होती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में या तो स्टार्ट कर चुके होंगे या फिर अब शुरू करने वाले होंगे। लेकिन साथ ही साथ आप सभी के मन में एक ख्याल यह भी आ रहा होगा कि हम अब इसके बाद फाइनल ईयर में आने वाले हैं, मतलब अपनी इंजीनियरिंग का जो फाइनल स्टेज अंतिम पड़ाव पे, तो हमें इस स्टेज तक आते आते यह क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इंजीनियरिंग के बाद अपनी लाइफ और करियर किस डायरेक्शन में लेके जाने चाहते हैं। अब चाहे वो हायर स्टडी करके किसी अच्छी जगह पे प्लेस हो या किसी अच्छे कॉलेज से मास्टर्स करने की चीज हो या फिर पीएसयू जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, बड़े कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट जॉब पाने की ड्रीम्स हो, ये सारी चीजें आपको इस स्टेज पे ही आके क्लियर कट पता होना चाहिए कि क्या चाहिए और किस तरीके से क्या पाथ फॉलो करना होगा जिससे ये अचीव होगी। तो दोस्तों इसी चीज के लिए आप अभी से ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या नहीं, और अगर करना चाहते हैं तो कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप अभी के टाइम पे ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी गेट की प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। इनफैक्ट गेट की प्रिपरेशन चालू करने के लिए इससे बेहतरीन टाइम कुछ हो ही नहीं सकता। अभी आप आराम से घर पे फ्री है, केवल ट्रेनिंग करके आनी है और उसके बाद का टाइम आपके पास पूरा फ्री है। ना ही कॉलेज के असाइनमेंट का लोड, ना ही कॉलेज की कोई एक्टिविटी या करिकुलम का लोड, आप पूरी तरीके से फ्री और एनर्जेटिक हैं अभी अपने गेट की प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए। और गेट की प्रिपरेशन अभी शुरू करने का एक फायदा यह भी होगा, अगर आप अभी से अपनी गेट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जो गेट का एग्जाम फरवरी 2023 में होगा, तो आप फरवरी 2023 के लिए अभी के हिसाब से काफी टाइम हमारे पास बचा है, तो हमारे पास अभी से हम तैयारी शुरू करें तो हम बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हैं और फरवरी 2023 में गेट देके मार्च में उसका रिजल्ट आ जाएगा और उस स्कोर कार्ड को यूज करके हम पीएसयू में अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए आईआईटीज में अप्लाई कर सकते हैं और न्यूमरस अदर पॉसिबिलिटीज हैं जो हमारे गेट के स्कोर कार्ड के साथ आती है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि गेट का स्कोर कार्ड भी 3 साल के लिए वैलिड होता है, मतलब अगर आप गेट 2022 में बढ़िया से स्कोर लाते हैं तो वो स्कोर कार्ड 2022 गेट का स्कोर कार्ड 2025 तक वैलिड रहेगा। मतलब अगर आप 2023 में अगर आप गेट का अच्छा स्कोर लाते हैं तो 3 साल तक आने वाली कोई भी पीएसयू वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सिंपली एक बार जबरदस्त पढ़ाई करनी है और उस पढ़ाई के साथ एक शानदार स्कोर लेके आना है और उस स्कोर कार्ड को 3 साल तक आप जो पीएसयू आए उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यह भी कर सकते हैं, इस गेट के स्कोर कार्ड को यूज करके आप एमटेक में आईआईटीज में एडमिशन ले लीजिए, पढ़ाई करते रहिए और जब तक आपका एमटेक खत्म होना जाए और अगर तब भी कोई पीएसयू आती है जो गेट के थ्रू लेना चाहती है, आप इसी स्कोर कार्ड को यूज करके उस पीएसयू में अप्लाई कर सकते हैं। तो सोच में आया दोस्तों कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है जो हमें गेट के एक शानदार स्कोर कार्ड से मिलती है, और गेट में शानदार स्कोर कार्ड तब मिलेगा जब हम अभी से तैयारी करेंगे। और क्योंकि आप अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे होंगे या करने वाले होंगे तो आप के लिए अभी से बेटर टाइम और कुछ नहीं है तैयारी करने का। आप चाहे तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले सकते हैं, आप चाहे तो ऑफलाइन सेंटर पे जाके क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, बिल्कुल आप ही लोगों के लिए 27 जून 2022 से स्टार्ट होने जा रहा है गेट का न्यू बैच, जिसमें गेट की लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो अगर आप घर पे रहकर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, और अगर आप इंजीनियर्स एकेडमी के सेंटर पे आके गेट की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब कैसे अप्लाई किया जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए फोन नंबर होगा, सिंपली उस फोन नंबर पर डायल कीजिए और अपनी इंक्वायरी बताइए कि आप गेट में इंटरेस्टेड हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सीएस, जो भी आपकी ब्रांच है, आप गेट की तैयारी अभी से चालू करें ताकि 2023 के फरवरी में जो गेट एग्जाम होगा उसको बहुत ही शानदार तरीके से अटेम्प्ट करके आए और मार्च में एक बढ़िया से स्कोर कार्ड पा लें।
ठीक है, ताकि आप 2023 में जब फाइनल ईयर में खत्म होने वाली स्टेज पे होगा तब तक आपके पास बहुत बढ़िया गेट का स्कोर कार्ड होगा, तो उसको यूज करके आप चाहे तो आईटीज में एमटेक के लिए अप्लाई कीजिए, पीएसयू में अप्लाई कीजिए या बाकी और न्यूमरस एक्टिविटीज में, या उसको दे दीजिए और बाद में आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि एक डेढ़ साल जॉब कर लें और उसके बाद इसी बढ़िया से स्कोर कार्ड को यूज करके आप अपनी पीएसयूज में जॉब पा सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं सिर्फ एक एग्जाम के साथ, वो है गेट। ओके, फरवरी में एग्जाम होगा, 1 सितंबर से फॉर्म इसके भरने चालू होंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे फोन लगाइए और अपनी गेट की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक मुस्कान बनाए रखिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव वाइब के साथ इंजीनियर्स अकेडमी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.